हेलो एवरीवन तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की जो कि लिया गया था बाय द एवरी मैक एंड मै तो 1944 के दौरान जो है करीबन 10 साल लगे इस एक्सपेरिमेंट को एंड दे ट्राइड टू प्रूव द डीएनए ही ये एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है तो उन्होंने जो है उनके एक्सपेरिमेंट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का जो है एक स्ट्रेन लिया था दैट इज कॉल्ड एस एस स्ट्रेन सो सबसे पहले इस एस स्ट्रेन को जो है हीट किल किया और फिर जैसे ही इस एस स्ट्रेन को हीट किल किया सो so देखने मिला कि इसके काफी ज्यादा फ्रेगमेंट्स हो चुके थे सो so, फ्रेगमेंट्स में जो है आरएनए प्रेजेंट था प्रोटीन डीएनए लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ऑल दीज प्रजेंट व फ्रेगमेंट्स बिकॉज ऑफ द हीट किलिंग ऑफ द एस स्ट्रेन और इन्हीं सारे फ्रेगमेंट्स को जो है प्योरीफाई किया सो आर एन को प्योरीफाई किया प्रोटीन प्रोटीन को लाइक वाइज डीएनए को लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट को इन सभी चीज़ों को प्योरीफाई किया और फर्दर एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें ऑलरेडी आर श्रेन प्रेजेंट था सो so, इस आर श्रेन में जो है प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ आर को एंटर किया मिक्स किया और देखने मिला कि जो आर श्रेन है वो एज इट इज प्रेजेंट था इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी आर स्ट्रेन प्रेजेंट था सो देखने मिला जो आर स्ट्रेन है इट रिमेन एज इट इज़ इन थर्ड टेस्ट ट्यूब जो है यहाँ पर जो है डीएनए को इंट्रोड्यूस किया इन द टेस्ट ट्यूब हेर देर वॉज ऑलरेडी प्रजेंट द आर स्ट्रेन सो देखने मिला कि जो आर स्ट्रेन है इट गॉट कन्वर्टेड इंटू अ वरलेंस स्ट्रीन दैट इज कॉल्ड एस एस्ट्रीन और अगर हम फोर्थ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें लिपिड वॉज एन

एंटर करते हैं व्हेन डीएनए इट इज बीन एंटर्ड इनटू द टेस्ट व्हेदर वाज ऑलरेडी एन आर स्ट्रेन सो देखने मिलता है इट कन्वर्ट्स इनटू एन एस स्ट्रेन सो यहाँ पर एक फिनोमेना के बारे में पता चलता है अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन सो होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में जो आर स्ट्रेन का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेन प्रेजेंट था आर स्ट्रेन जो है ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है सो हियर नॉन विरुलेंट होने के कारण हियर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकस निमोनी स्ट्रेन आर स्ट्रेन इट इज अपटेकिंग द डी एन ए फ्रॉम द सराउंडिंग और देखने मिलता है जो आर स्ट्रेन है नॉन विरुल है इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द एस्ट्रेन जो कि एक विरुलेंस स्ट्रेन है सो यहाँ पर अपटेकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग इसकी वजह से जो आर स्ट्रीन है इट गैट्स कन्वर्ट इन टू द एस्ट्रेन सो यर दिस फिनमिना इट टेल्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन का फिनमिना में देखने मिलता है कि जो डी एन ए है वो अपटेक किया जाता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आर स्ट्रीन की वो ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाती हैं बदल जाती हैं एस्ट्रेन में जो कि एक वरलेंट स्ट्रेन है जिसके वजह से इट कॉजेज़ अ डिजीज़ सो so, यह उन्होंने आर एन ए डी एन ए और प्रोटीन को जो है प्योरीफाई किया और आर एन ए डी एन ए और जो प्रोटीन है एस स्ट्रेन से लेकर प्योरीफाई किया और फर्दर देखने मिला दैट इट कैन ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन इन टू द एस स्ट्रीन सो डी एन ए ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्जन के लिए तो वो जो आर स्ट्रेन हार्मलेस स्ट्रेन है उसको कन्वर्ट कर देता है डेडली एस स्ट्रीन में फर्दर हम एक एक्सपेरिमेंट में जो है कुछ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे सो so, एंजाइम्स हैं जैसे कि प्रोटीनेज रैबो न्यूक्लीस एंड डी राइबो न्यूक्लीस अब अगर हम प्रोटीनेज के बारे में बात करें तो ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है डिग्रेड करता है राइबो न्यूक्स जो है ये आर को डिग्रेड करता है ब्रेक डाउन करता है और जो डी ऑक्सीराइबो न्यूक्स जो है वो डी को डिग्रेड करता है ब्रेक डाउन करता है सो so, जब भी हम को स्ट्रेप्टोकोकोस नीमोनी के एस स्ट्रेन को विटलेंस स्ट्रेन को हीट किल करते हैं सो so, देखने मिलता है कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको काफ़ी फ्रेगमेंट्स नजर आएंगे प्रोटीन आरएनए, डीएनए, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की सो इस टेस्ट ट्यूब में जो है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया गया है और अब जो बचता है दैट इज ओनली प्रोटीन आर एन एन और जब हम ऐड करते हैं प्रोटीन इज को तो देखने मिलता है दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन मतलब कि अब इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा तो रह जाएगा तो सिर्फ आरएनए और डीएनए और फर्दर जब इसको एड कर दिया जाता है अपटेकिंग ऑफ डीएनए बाई दिसमेशन और अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखते हैं जहां पर ऑलरेडी टेस्ट में प्रोटीन आर और डीएनए प्रेजेंट है और हे देर इज बिन एडिशन

में देखे जहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन आर और डी प्रेजेंट था और यहाँ पर एडिशन कर दिया गया है डी ऑक्सीडाइबोन्यूक्लियस का जहाँ पर ये जो है डी एन इज गोइंग टू गेट ब्रेक डाउन इट इज गोइंग टू गेट डिग्रेडेड जहां पर अब टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा तो सिर्फ प्रोटीन और आर तो अब ये जो आर स्ट्रीन जो है ना इट वोन बी एबल टू अपटेक द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग और ये प्रोटीन और आर को अपटेक तो करता ही नहीं है सो जो आर स्ट्रीन है कभी भी एस एस्ट्रीन में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमेना में जो है देखने मिलता है कि डीएनए ही जो है आर स्ट्रेन वो अपटेक कर पाता है जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं एंड कन्वर्ट द एस स्ट्रेन जो कि एक स्ट्रेन है और एक हार्मफुल स्ट्रेन है सो so, ट्रांसफॉर्मेशन का जो फिनोमेना है आपको सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखने मिलता है थर्ड एक्सपेरिमेंट में देखने नहीं मिलता सो so, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट द्वारा एवरी मैक और मैक्लोइड ने कुछ एंजाइम्स के बारे में भी बताया प्रोटीनीज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इवन द एंजाइम्स और आर जो आर को डाइजेस्ट करता है और ये प्रोटीनीज और आरएनीज कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन के फिनमिना को जो है अफेक्ट नहीं करते सिर्फ डीएनए ही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है और डी इज जो है टू डाइजेस्ट द डीएनए सो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन फेनोमेना है यहाँ पर देखने मिलता है कि डीएनए अगर प्रेजेंट है तो ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन फनोमिना देखने नहीं मिलेगा और इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इन द एस स्ट्रीम सो हिय ये एक्सपेरिमेंट्स द्वारा दे ट्राई टू टू प्रूव दैट डी एन एज़ द जेनेटिक मटीरियल लेकिन काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजिस्ट थे जो कि कन्विंस्ड नहीं हो पाए थे दैट डी एन एज़ द ओनली जेनेटिक मटीरियल विच इज़ बीन प्रूव्ड बाई दीज थ्री साइंटिस्ट सो हियर द वीडियो एंडस एंड थैंक यू